अंदर देखने को मिला है। तो आगरा वालों कैसे हो आप सब? यार बेइज्जती ना करो, ये मत करो, कम से कम एनर्जी दिखाओ यार। आगरा वालों कैसे आयो? पीछे वालों पान पियो भाई, पीछे वाले बोल रहे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज हम जा रहे हैं एक बजाज एक फिल्म इवेंट करा रहा है, इसमें कि काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स आ रहे हैं और हम लोगों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। तो ये है ARM बजाज प्रतापपुरा आगरा में, जहाँ ये इवेंट हो रहा है। और हार्डली उन लोगों ने बोला था कि 5 बजे तक सर आप आ जाना, और यहाँ मुझे 4:55 हो गए और अभी तक मैं ऑन द वे हूँ। तो बस थोड़ी सी देर में हम लोग बजाज पहुँचते हैं, और गौ माता बीच में आ गई, तो जल्दी जल्दी हम AMR बजाज में हम पहुँचते हैं और वहाँ इवेंट को ज्वाइन करते हैं। तो बस हम लोग जा ही रहे हैं। आज एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया, मैं स्कूल से आया और मैं डायरेक्टली सो गया, और फिर मैं जस्ट अभी उठा हूँ, मैंने टाइम देखा तुरंत मैं रेडी हुआ, हाँ, और जल्दी जल्दी मैं निकल लिया बजाज के लिए। तो बस अभी हम थोड़ी देर में ARM बजाज पहुंच जाएंगे। थ्रिल जो इवेंट चल रहा है ये ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, अभी हार्डली ये इवेंट कंप्लीट हुआ है वेस्ट बंगाल में कंप्लीट करा था। बाइकर्स वगैरह हैं, उन्होंने वेस्ट बंगाल में कंप्लीट करा, मैं एक दो बाइकर्स के नाम यहाँ डाल दूंगा नीचे, इन लोगों ने वहाँ कंप्लीट करा था। और यहाँ चिंतामणि जयपुरी एक दो बाइकर्स और आ रहे हैं यहाँ पे 250F एंड 250N के लिए। तो अभी बस हम पहुंच रहे हैं बजाज के शोरूम, और मोस्टली ये एक तरह से प्रमोशन समझ लीजिए, प्रमोशन समझ के रखिए कि अपनी बाइक का प्रमोशन कर रहे हैं, अपनी बाइक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन पब्लिक। तो बस अभी हम लोग बस पहुंच रहे हैं, तो इस समय पहुंच गया हूँ, इस समय हम आ गए हैं कलेक्ट्रेट, और अगला स्वाइंग तक क्या दैन फिर वहीं पहुंच जाएंगे हम लोग। हम लोग स्वाइंग तक आ चुके हैं, एक्चुअली हमें रॉन्ग साइड पे आना पड़ेगा, बट रॉन्ग साइड ना जाके मैं यू टर्न मार के आऊँगा। एक सेकंड फ़ोन आ रहा है बजाज से शायद, सब कुछ ढूंढ के फिर मैं आया हूँ। तो बस हम लोग बस पहुंचने वाले हैं बजाज, ये साइड में बजाज था आपने देखा होगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, और तो आगे से यू टर्न मार के उसमें आ रहा हूँ। यहाँ से यू टर्न लेना है, AMR बजाज, तो जी था AMR बजाज। बाइक किधर लगा, यहीं लगा दूं? तो भाई अंदर चलते हैं, हाँ सर मैं बाहर आ गया।
क्योंकि टाइम उसमें मैं डरते थे यार, माँ बाप तो सब डरते ही बच्चों के लिए।
मेरी एज भी थी उस टाइम 16-17 के आसपास। तो मैं घर पे बोल के, मैं मेरा फ्रेंड था, हम बोल के गए कि हम यहाँ 50 किलोमीटर रहते घूमने जा रहे हैं दिल्ली के, और हम चले गए सीधे एयरपोर्ट साइड। तो आपने सुने सुना होगा बद्रीनाथ जो मंदिर है उसी के पास में पड़ता है एयरपोर्ट साइड। तो वहाँ चले गए, 5-6 दिन आपको फ़ोन भी नहीं होते थे, थोड़ा मोबाइल होते थे कम। हमने घर पर लैंडलाइन से बोल के बोला, उसके बाद आए घर पर बिठाई भी बोल रहे हैं भाई कि बिना बताए गए क्यों। पर बस वहीं से मेरी बाइक की जर्नी स्टार्ट हुई। बस वहाँ से ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई करते 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 2022 आ गया। तो आज तक बस अनएक्सप्लोर जगह जितनी भी है वो एक्सप्लोर कर रहा हूँ हिमाचल में, ऊपर जहाँ कोई नहीं जाता है। लास्ट मैंने भी कोई अपना सर्च पास कराया था, वो भी मेरा विचार था दोबारा मेरा कल सर्किट करने का। तो इसमें सर्च पास किलोंग स्पीति दोबारा कर रहा हूँ मैं, तो नेक्स्ट मंथ भी मुझे जाएगा दोबारा। तो बस हम लोग जब ये दिल्ली से हैं, ये छत्तीसगढ़ से हैं, तो ये कहते हैं ना यार, उनका डायलॉग है कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। और पप्पू बाजी कहते हैं प्यार से, उनको गप्पू बाजी भी बोल देते हैं। तो इनका कहना है कि दिल्ली दिलवालों के, मैंने कहा देखो ऐसा है यूपी टहलो हमारे साथ में, और यूपी टहलोगे ना तो सब भोकाल देखोगे। तो भोकाल भी तक देखने को मिला है। आगरा वालों कैसे हो आप सब? यार बेइज्जती ना करो, ये मत करो, कम से कम एनर्जी दिखाओ यार। आगरा वालों कैसे हो? पीछे वालों पानी पी लो भाई, पीछे वाले बोल रहे ऐसे मारे थे उसके आगे बढ़ेंगे नहीं। आगरा वालों कैसे हो? बढ़िया। चलो थोड़ा सा, और मेरी तरफ से दो दो फूड पैकेटिंग को दे। तो मेरा नाम शुभम चौहान है और मैं एक जर्नलिस्ट था, और उसके बाद यूपी में बहुत कम चीजें ऐसी चालू मैं कर रहा हूँ। यूपी में राइड करने वाले लोग हैं, ड्रैग रेस करने वाले लोग हैं, लेकिन जो एक ऑटोमोबाइल की वेबसाइट जो मैं चला रहा हूँ वो यूपी की पहली वेबसाइट है जो ऑटोमोबाइल की है। यहाँ पर कार, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, जितना भी ऑटोमोबाइल में आता है उसकी पूरी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल है, बाकी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम और हमारी टीम काम कर रही है। इसीलिए हमने कहा था थोड़ा सा अभी शुरुआत हुई है, और यूपी में अभी इस तरह के चैनल्स दिल्ली में, मुंबई के, हैदराबाद के, इस बड़े बड़े शहरों के देखने को मिलते हैं या बड़े बड़े स्टेट के देखने को मिलते हैं। लेकिन अब यूपी का भी चैनल एक समय आएगा जब आप लोगों का प्यार मिलेगा और हम ऊपर तक जाएगा और लोग कहेंगे कि ये कहाँ का चैनल है, तो वो होगा यूपी का। इसीलिए आज मैं बजाज के साथ में यूपी से इकलौता राइडर हूँ जो राइड कर रहा हूँ, बाकी छत्तीसगढ़ से और दिल्ली से हमारे साथ नजर है। तो सिलवाल तो इवेंट हो गया, ठीक है सर, फिर मिलूंगा मैं आपसे। आप आगरा आओ और लद्दाख हो तो मिलके जाना जरूर, ठीक है सर? ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है ओपा जी, चल आगरा आओ तो अगेन दोबारा मिलना जरूर, ठीक है, बाय। कि बाइक्स कहाँ गई? ये एक्चुअली बजाज का एक इवेंट था जो कि ARM बजाज ने इवेंट कराया था। इसमें बब्बू पाजी आए थे और चिंतामणि जयपुरी जी आए थे, उनका इवेंट था पूरा 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 भाई। इवेंट एक नंबर अल्टीमेट हुआ, और आप चाहें तो एक बार इस बजाज में के शोरूम में आप लोग विज़िट करिए भाई। जो इसकी टीम है ना भाई, बहुत कोऑपरेट है, टीम बहुत सपोर्ट करती है यहाँ पर, और टीम बहुत अच्छी है, ठीक है। बब्बू पाजी वगैरह आए, उनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को, मज़ा आया, मतलब एक नंबर इवेंट था, और इस इवेंट में हम लोगों को अल्टीमेट मज़ा आया। तो आप चाहें तो आके इस शोरूम में विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं बाहर, पहले बाइक को निकालते हैं ऑन रोड, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो इस शोरूम में विजिट कर सकते हैं, ARM का शोरूम है प्रतापपुरा चौराहे पर है, तो आप विज़िट करिए एक बार। और भाई यहाँ यश भाई मिलेंगे, नीतेश भाई हैं, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे। तो चलिए हम चलते हैं आगे। चलो भाई, आज का जो भाई ब्लॉग था एक नंबर था यार, मज़ा आ गया। सेमिनार में एक अलग ही बात थी, मतलब अलग ही थ्रिल था। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा उनके साथ, भाई गॉड मज़ा आ गया।
और स्पेशल थैंक कहना चाहूँगा मैं चिंतामणि जयपुरी जी को कि उन्होंने हम लोगों के डाउट क्लियर करे, बब्बू पाजी थे उन्होंने डाउट क्लियर करे, हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, उन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को। तो चलो अब घर की तरफ चलते हैं हम लोग, और शाम हो चुकी है और टाइम हो गया है यहाँ पे, टाइम लमसम हो गया है 7 बज चुके हैं। तो अब देखो कितने बजे तक हम लोग पहुँचेंगे, अभी बस हार्डली घर पहुँचते हैं, शोरूम से निकल चुका हूँ मैं। और कुछ कुछ लोगों की मैंने सोची थी कि ये लोग आएंगे, तो वो भी नहीं आया। आकाश भाई की सोची थी, आकाश भाई भाई आएंगे और एक दो भाई और हैं वो आएंगे, पर उन लोगों में से कोई नहीं आया। तो कोई नहीं, शायद वो खेम के वजह से कॉन्टेक्ट में थे, हम इधर कॉन्टेक्ट में थे, शायद तभी कोई प्रॉब्लम हुई होगी, अदरवाइज़ तो वो लोग आते। और भाई एक नंबर मज़ा आ गया, चलो आगे चलते हैं। तो भाई जो ARM बजाज है ना, उसका स्टाफ इतना कोऑपरेट है भाई, हेल्पफुल स्टाफ है भाई, नेचर वाइज तो मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, बट वही है मेरी बाइक नहीं मंगा रहे ये लोग। मैंने इनसे 2 से 3 बार बोल चुका कि भाई बाइक मंगा दो, तो भाई ने, यश भाई हैं उसने, उन्होंने बोली है कि आप संडे को आइए, पॉसिबल हो चुका तो मैं आपकी डोमिनार मंगा दूँगा और आप बुक कर देना। तो अब देखते हैं, मैंने उन्होंने बोला, उन्होंने संडे को बुलाया है, संडे अब एक बार मैं जाऊँगा और विजिट करूँगा शोरूम में, और 250 जो आई है उसकी एक टेस्ट राइड लेंगे, और भाई एक नंबर मज़ा आ जाएगा, तहलका मचा देंगे, तहलका। देखते हैं, चलो अभी चल रहे हैं हम लोग आगे, और अभी आगे जा रहे हैं हम लोग, और वहाँ से हमें गिफ्ट के तौर पे एक बॉटल मिली है, जो कि बॉटल मैंने बैग में रख ली है बैग में, हाँ है। और भाई कुछ भी को बब्बू पाजी का एक डायलॉग रह गया पूरे, उसमें कहीं डायलॉग नहीं था, डायलॉग वो इस तरीके से है, 2 रुपये की पेप्सी, बब्बू पाजी सेक्सी। तो भाई बब्बू पाजी को मैं टैग जरूर करूँगा ये, और कुछ फ़ोटोज़ हैं बब्बू पाजी की, वो भी फ़ोटोज़ वगैरह भी मैं उनको टैग कर दूँगा। और एक नंबर भाई, मज़ा आ गया आज का इवेंट देख के, मतलब दिल खुश हो गया भाई, गार्डन कर दिया यार इन लोगों ने, अल्टीमेट भाई। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी हम आ गए हैं पेट कलेक्टेड।